नाश्ता बनके रेडी। ये देखिए फ्रेंड्स, नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी खाना खजाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक ऐसी चटपटी सी डिश जो कि पेट भी भरेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी, और आप कचौरी पकौड़ी सभी का स्वाद एक सी चीज में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे की एक ऐसी रेसिपी जो कि आप बार बार बनाना चाहोगे। ये लिया है हमने एक कप गेहूं का आटा, यानी कि ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये एक कप आटा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जितनी अजवाइन। अजवाइन को हम मसल के ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि हमारा जो कवर हम बना रहे हैं वो फीका फीका न लगे, और इसे कुछ इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम किया हुआ 2 चम्मच घी। आप कम ज्यादा कर सकते हो, हमने इसमें 2 चम्मच घी ऐड किया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप घी की जगह तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटा गूंद लेंगे। इसे ना ज्यादा सॉफ्ट गूंदना है ना ज्यादा हार्ड गूंदना है, जैसे हम रोटी का गूंदते हैं बस उसी तरह से इसको गूंदना है। ये ढोलक की रेडी स्वामी शेप सा आटा गूंदना है, और अब इसे हम कुछ इस तरह से ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, ये लिए हमने 2 आलू उबाल के मैश कर लिए हैं, क्योंकि इसके हम फिलिंग बनाने वाले हैं। साथ ही हम इसमें 1 छोटा कटिंग किया हुआ प्याज ऐड कर देते हैं, 1 हरी मिर्ची। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 गरम मसाला यानी कि 1/4 चम्मच से कम गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला। हमने चाट मसाला ऐड किया है इसलिए नमक थोड़ा कम ही ऐड करेंगे, और हरा धनिया, हरा धनिया हमारा सूख गया है इसलिए हम इसको ड्राई को ही ऐड करेंगे। इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1/3 चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड करते हैं, ताकि मसाला हमारा एकदम चटपटा सा बने, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, मसाला हमारा रेडी है। अब करते हैं आटे का प्रोसेस। 10 मिनट हो गए हैं, आटे को भी चेक कर लेते हैं। आटा भी हमारा एकदम सॉफ्ट सा बन के रेडी हो गया है, सेट हो गया है आटा पूरा। अब इसके हम लेंगे एक बड़ी लोई। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसी बड़ी लोई लेनी है, एकदम पतली और छोटी नहीं लेनी है, थोड़ी बड़ी रखनी है। कुछ इस तरह से सारी लोइयां बना लेंगे, यानी कि हमारे 1 कप आटे में 3 लोइयां बनी हैं। और यहाँ हमने एक फ्राइंग पैन को गर्म होने के लिए भी रख दिया है, ताकि जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसे सेकने के लिए हमें फ्राइंग पैन चाहिए। पहले हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। बहुत ज्यादा आटा डस्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा आटा हो जाएगा। और इसकी एक बड़ी रोटी बेलेंगे। हमने रोटी को बेल लिया है, अब इसे कुछ इस तरह से हम कट लगाएंगे, आधे में हम कट लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से नहीं कटना है, बस यहाँ तक ही लगानी है, ताकि ये जुड़ा रहे। और जो हमने मसाला बनाया था उसे हम यहाँ पे इस तरह से स्प्रे कर देंगे। यानी कि आधे को कट करना है, आधे को नहीं करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, और जो हमने कट किया है उस पोर्शन को कुछ इस तरह से हम
इसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए बन गया ना एकदम हमारा अलग सा नाश्ता। आप इसे खाने में भी खा सकते हो। हमने फ्राइंग पैन को रख दिया और फ्राइंग पैन गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर, हम घी में सेक रहे हैं, आप तेल में भी सेक सकते हो। एकदम कम तेल में, तेल या घी में हमारा यह नाश्ता बनकर रेडी होता है। जो हमने ये नाश्ता बना के रखा था उसे इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे और इसे दोनों तरफ से एकदम करारा करारा सा सेक लेंगे। इसी तरह दूसरी रोटी भी हम बेल लेते हैं। दोनों साइड से सिम गैस पे अच्छी तरह से सेक लेना है ताकि ये अंदर से बाहर से दोनों जगह से पक जाए। इसे एक बार पलट देते हैं और इस साइड भी घी लगा देंगे। फ्रेंड्स इसे हम वापस पलट दिया है, ये दोनों साइड से एकदम करारा सेक जाएगा, फिर इसे निकालेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस बार हमने एक छोटा बनाया है ताकि बच्चे वगैरह आराम से खा सके, इसलिए हम एक काम हमने आपको बड़ा बना के दिखाया है, अब ये से छोटे छोटे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये करारा करारा सीख गया है, इसे निकाल लेते हैं और इसके जगह पे छोटे छोटे दो रख देंगे ताकि वो भी सीख जाए। इसमें भी वो पहले वाला ही प्रोसेस, कम घी में हमारा अच्छा सा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा और बच्चे भी एकदम खुश हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और दूसरे ऐड कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नाश्ता बनके रेडी, एकदम फटाफट से बन जाने वाला, बच्चे भी खुश बड़े भी खुश। और इसमें आलू का पराठा का स्वाद भी आएगा, समोसे का भी आएगा, कचौरी का भी आएगा, आप इसे कैसे भी बना के खा सकते हो। फ्रेंड्स ये हमने तीन छोटे बनाए हैं, ये हमने एक बड़ा बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम मसाले से भरवार लग रहा है ना, एकदम अच्छा सा।